बिहार राज्य के मोहरा प्रखंड के चरंडी गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें बच्चों की जनसंख्या लगभग 300 से अधिक है और टीचरों की जनसंख्या 4 है, जिसमें अभी तक पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक चापाकल बैठा भी हुआ है जो स्कूल से बाहर है, जो पानी अभी तक नहीं देता है। एक लोटा भी पानी उस चापाकल से नहीं निकलता है। आप लोग खाना बनाने में पानी फिर कहाँ से मंगवाते हैं? पानी तो मंगाना पड़ता है, चापाकल दूसरे का चापाकल है, एक किलोमीटर के लमसम में जाना पड़ता है, माथा पत्थर के लाना पड़ता है। चापाकल हुआ भी है तो जस का तस एक उड़ाई तक पानी उससे नहीं चला, और पानी का इतना प्रॉब्लम है कि हमारा खाना रसोईया जो है, जो लाटू दो रसोईया बेचारी पानी लाने में ही दिन भर रह जाती है, खाना बनाने में दिक्कत होता है, खाना बनाने में लेट होता है, और पानी के अभाव में हमारा शौचालय भी है जो कि गंदा है। बच्चों को टाइम पर खाना मिलता है? तो पानी लावे में टाइम पर खाना में कहाँ से मिलता थी, टाइम तो पानी लावे में हमने के टाइम बीत जाए तो खाना कैसे तो टाइम पार हो जाए करे, तो कैसे कर दिए कि टाइम पर खाना मिल जाती। खाना मिलता है जी से। पानी नहीं। तो पानी कहाँ से लाते हो? घर से लाता है। कोचिंग करके लाता है? शौचालय के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? शौचालय के लिए तो प्रॉब्लम है, अगर लगा भी तो कहने का मतलब है कि आड़े में जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल है उसे बने के घर किए उधर जा करके फिर लोटा उटा लिए, उसके बाद में साइड में जाना पड़ता है। हमारे मैडम है उनके तो बेचारे बहुत स्थिति देने हैं। माननीय क्षेत्रीय विधायक अभी वर्तमान विधायक जो है 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी के दिन तीसरा चौथा बार हमारे आज तक के चौथा बार स्कूल में आए हैं, और आते हैं तो लंबा लंबा बात कह देते हैं कि हमने 8 दिन के बाद चापाकल दे रहे हैं, 10 दिन के बाद दे रहे हैं, आज तक स्थिति बिल्कुल के बिल्कुल बनी हुई है। आज तक मेरे पास चापाकल नहीं हुआ। शिक्षक के साथ साथ बच्चों का भी दिक्कत है, साथ में महिला है, रसोईया है, सबके लिए बहुत सारे समस्या है शौचालय के अभाव। हम चाहते हैं कि चापाकल का सुविधा हो जाए, जो भी पानी दे, हम लोग को भी प्यास लगता है तो पानी मंगाना पड़ता है। इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय चनंडी में एक चापाकल की व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चों को पानी पीने में सुविधा हो और उनके शिक्षा पर बाधा न पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, शिक्षा प्रसार प्राधिकारी का मोबाइल नंबर 9430806978 पर कॉल करके उन पर दबाव बनाएं। मैं अमित कुमार गया, जिला बिहार से, इंडिया अनहर्ट के लिए।